आपको टेम्परमेंट देखिए, जो भी है टेम्परमेंट इंडियन डॉग में ज़्यादा नहीं देखा जाता, यहाँ पे स्टेट हो जाता है। अच्छा, दिस इज़ स्टाइफिल फोर क्वार्टर, ये देखिए ये एज इतना बाल गिर रहा है, पता चल रहा है। हाँ, इसके लिए हम लोग बहुत कस्टमर को सजेस्ट करते हैं आप यूरोपियन मत लीजिए। तो हेलो दोस्तों, ब्लॉग एंड फिट सम्पर्क और एक नए वीडियो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं हावड़ा बाली पे, एक बहुत ही अच्छा गोल्डन रिट्रीवर कैनल में। आज आप लोगों को कुछ पेट क्वालिटी का नॉर्मल क्वालिटी का गोल्डन रिट्रीवर नहीं दिखाएंगे, आज सिर्फ दिखाएंगे इंपोर्ट क्वालिटी का, जो बाहर से पूरा इम्पोर्ट किया हुआ है, ऐसा क्वालिटी का गोल्डन रिट्रीवर। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, वो आप लोगों को पसंद जरूर आएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले चलिए यहाँ का जो ऑनर भैया, ऑनर को बुला लेते हैं। तो दोस्तों भैया आ गए, चलिए आप लोगों से परिचय करा देते। तो भैया नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक। थैंक यू आप लोग आए हैं, इससे पहले भी आप एक बार आए थे। हाँ, एक वीडियो किया था यहाँ। हाँ, तो दिस इज़ द सेकंड टाइम। तो लास्ट वीडियो में कैसा रिस्पांस था आपका वीडियो? हाँ, अच्छा था, बहुत इंक्वायरी हो रहा है। अच्छा, और कस्टमर आ भी रहा है, लेकिन इसमें एक कस्टमर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर आ रहा है कि प्राइस के मामले में वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब वो कम प्राइस में थोड़ा ढूंढ रहा है। हाँ हाँ, क्वालिटी नहीं चाहे मांग रहा है, नहीं क्वालिटी। हाँ, प्राइस कम, सस्ते में 12,000-13,000 ऐसा बोल रहा है। तो अच्छा क्वालिटी का तो इतना प्राइस में नहीं आता है कभी भी। नहीं आएगा। हाँ, तो आपके पास अभी सिर्फ गोल्डन रिट्रीवर है? हाँ, ओनली गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा, तो आप गोल्डन रिट्रीवर का क्यों शौक करते हैं सिर्फ? मतलब बहुत सारा ब्रीड है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये ब्रीड बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसलिए ही करते हैं, और ये बहुत फ्रेंडली है। हाँ, ये तो बहुत ही फ्रेंडली, तो और देखने में भी बहुत ही अच्छा हाँ दिखता है। तो पप्पी ऐसे सेल करते हैं? नहीं, हम लोग के पास क्या होता है ना, हम लोग के पास बुकिंग चलता है, बुकिंग चलता है। क्योंकि हम लोग मेरे खुद के पास दो फीमेल है। अच्छा, उसके बाद नहीं रखे, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करता हूँ क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं। अच्छा, और बाहर में जो फीमेल आते हैं मेट होने के लिए, वो भी हम लोग देख के देते हैं, क्वालिटी देख के देते हैं मेटिंग। अच्छा, और वहाँ से सिर्फ टॉप क्वालिटी का एक बच्चा ही उठाते हैं। अच्छा, समझा। तो दिस रीज़न मेरे यहाँ पे हर वक्त वो क्या रहता है, तो बच्चे की कमी रहती है, कमी रहता है, तो इसीलिए एडवांस आपको एडवांस बुकिंग होता है, बुकिंग होता है। और ये कस्टमर बोलता भी नहीं है कि बच्चा नहीं देख के बुकिंग करूँगा, ये बोलता भी नहीं है। अच्छा, आपके पास ऐसे कितने डॉग है? मेरे पास चार मेल्स है। अच्छा, जो चार मेल ही शो करते हैं। शो करते हैं? अच्छा। हाँ, हाँ, आते समय बहुत प्राइस भी देखा है आपका? हाँ, तो चार मेल ही है मेरे तो पास। बहुत दिन का एक्सपीरियंस है रहते शो में? बहुत दिन नहीं, मैं 2013 से शो कर रहा हूँ, पहले बिगल करते थे, और अभी 2018 के बाद गोल्डन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है। तो आपका थोड़ा एड्रेस शेयर कर दीजिए। मेरा एड्रेस है, ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बाली घोषपाड़ा हावड़ा, नियर पलपाड़ा फुटबॉल ग्राउंड, पिन नंबर 711227, और PSA निश्चिंदा। अच्छा, ठीक है। तो अभी वो बातचीत होता रहेगा, अभी चलिए एक कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा दिखाएंगे? तो मेरा एक 16 महीने का डॉग है, ये मैंने लिया था पुणे से। अच्छा, अब देखिए इस ब्रीड को, ठीक है, देख लेते हैं। तो दोस्तों एक गोल्डन रेट की बात देखिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, ये 16 महीने का डॉग है, ठीक है, और इसको मैंने ये बेस्ट पपी भी मिला है। अच्छा, आप इसका टेम्परमेंट देख सकते हैं, क्योंकि जज बहुत टेम्परमेंट देखते हैं, आप मुंह में हाथ घुसा के भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब एकदम भी बाइट नहीं करेगा? नहीं, अब ये जो डॉग ऐसे होते हैं तो ये बहुत प्यारा होता है। अच्छा, मतलब स्टैंडिंग देख के आप लोग को पता चल जाएगा क्वालिटी कैसा है। देखिए एक्चुअली आदमी जो आते हैं ना 12-15-20-18 में बात करते, उसको ऐसे क्वालिटी नहीं मिल सकता है। हाँ, इसका जितना जैसा क्वालिटी वैसा दाम, तो देख सकते हैं क्वालिटी। फर देखिए, स्टैंडिंग देखिए, ये मेल है ना? मेल है। इसका नाम क्या है? थॉर। थॉर, ये जस्ट इसका फर्स्ट लीटर मैंने लिया है, मेरे घर में हुआ है बच्चा। अच्छा, आज 23 दिन है बच्चे का। और इसका एज कितना है? इसका अभी एज है 16 महीने। देखिए क्वालिटी देखिए, स्टैंडिंग देखिए। आप लोगों का ज़्यादा डॉग नहीं दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। देखिए देखिए, मैं बराबर ही मानता हूँ क्वालिटी, क्वांटिटी में आप जाएंगे तो आपको खराबी मिलेगा। हाँ हाँ, और बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी ब्रोकर थ्रू नहीं आएगा किसी के पास, क्योंकि आप देखिए आपके पास जो गोल्डन आते हैं उसके फादर आप नहीं देख पाएंगे, तो आपको
आइडिया ही नहीं होगा तो बच्चा, कैसा होगा। हाँ ये बात है, पेरेंट्स देख के हर समय बच्चा लगता है। हाँ एकदम, क्योंकि मोस्ट ऑफली फादर, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स क्या होते हैं कि मेल लेते हैं। हाँ तो डॉग मेल या फीमेल जो भी लेते हैं, आपको डॉग देख के पता चलेगा कि वो 3 साल बाद कैसा होगा। हाँ ये बात तो सही है। और मार्केट में क्या होता है, एक हाथों से एक बच्चा दे देता है, वो बच्चे में ना ऑल आर पपीज इज क्यूट एंड सेम। हाँ देखिए बच्चों के चक्कर में, इसके चक्कर में कस्टमर फंस जाता है। हाँ और देखिए जो पपी है वो रहेगा आपके पास 10-12-15 साल। मतलब आप जो बोलना चाहते हैं कि बच्चा हर समय उसका पापा की तरह ज़्यादा होता है। 60-70%। अच्छा 35-40%। इसलिए फादर देखना जरूरी है, फादर देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्योंकि मदर के साइड में 30-40% जाते हैं। और ये लोग, हम लोग बच्चे चूज करने के टाइम पे समझ जाते हैं कि कौन से मदर के साइड में गया है, कौन से फादर के साइड में गया है। हाँ, अच्छा तो एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि कस्टमर को जरूर फादर देखना है। एनाटॉमी आपको क्या होता है, एनाटॉमी ना आपको शेयर नहीं करते, बच्चा बढ़िया हेड है, बढ़िया बोन्स है, ओके, लेकिन क्या है, क्वालिटी गोल्डन रिट्रीवर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है शो करने के लिए। हाँ बैलेंस होना ज़रूरी है। आप शो कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपके पास क्वालिटी चीज़ नहीं रहेगी तो आप तो खाना सेम ही खिला रहे हैं, अननेसेसरी आपका पैसा वेस्टेज होगा। और पापा नहीं देखेंगे, मदर नहीं देखेंगे, मेनली पापा नहीं देखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे इनब्रीडिंग होते हैं। हाँ सेम क्वालिटी में, सेम ब्रीड, भैया बहन में मेटिंग करवा दिया। हाँ तो बहुत हो रहा है, बहुत आज के डेट में बहुत हो रहा है। क्योंकि किसी भी कैनल के पास 20-30 डॉग्स है। हाँ तो वो उसको नहीं पता है कौन सा क्या मेट कर रहा है। हाँ ये बात है, ये बहुत तो इन मीटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए सीवियर जो इंडिया होता है, टीथ का प्रॉब्लम होता है, टेस्टिस कभी नहीं निकलता है। अच्छा देखिए इन ब्रीडिंग नहीं, हमारे भी ब्रीडिंग में एक दो ऐसा हो सकता है कि टेस्टिस नहीं आए हैं, तो हम लोग ये बोल के दे देते हैं और वो उसका अलग प्राइस रहता है। अच्छा। कस्टमर को बोल देते हैं कि टेस्टिस नहीं है। अच्छा वो सिर्फ पेट के लिए कोई रखेगा तो हाँ तो आप ले सकते। लेकिन आज अभी तक एक ही हुआ है, अभी तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं हुआ है। अच्छा कभी एक हो गया है और हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी ब्रोकर के पास मत जाइए, डायरेक्ट हम लोगों के पास आइए। आपका इशू है, आप कम देंगे, आपका कम प्राइस है, मतलब हम लोगों का कोटेशन रहता है 26-27 से स्टार्ट। अच्छा। एक 26-27 रेंज रहता है, एक 30 का रेंज रहता है, क्वालिटी के हिसाब। हाँ एकदम से दाम सेम लीटर में, सेम लीटर में। अच्छा और एक 35 का रेंज रहता है, क्योंकि मेरा मानना ये है सेम लीटर 8 अगर बचा हुए, 8 ही अच्छा नहीं होगा, उसमें से एक या दो टॉप क्वालिटी एक या दो टॉप क्वालिटी का होगा। अच्छा उसके बाद एक दो क्वालिटी होगा, उसके बाद नीचे का जो खराब आता है हम लोग बोल के देते हैं कि ये 20,000 का है। अच्छा खराब भी आ सकता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का तो खराब तो आएगा ही, खराब मतलब एनाटॉमिकली खराब, वो पतला है, दुबला है, ऐसा नहीं है। अच्छा एनाटॉमिकली अच्छा ऐसा आ सकता है, मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छा आ सकते हैं, नहीं आएगा ही आएगा। हाँ ये गारंटी है। अच्छा मतलब 8 बच्चे में 2 या 3 का एनाटॉमी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए प्राइस रेंज भी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो आपके पास अभी पपी है तो? हाँ अभी 23-24 दिन का पपी है, 23 दिन का, तो आप अभी समझ नहीं पाएंगे, मैं छोड़ के दिखा दूंगा आपको। दिस इज द फर्स्ट लीटर थॉर का, मैं थॉर का फर्स्ट लीटर, इसका ही बच्चा है। हाँ इसका ही बच्चा है, मेरे होम ब्रीड है। अच्छा इसका फीमेल मेरे घर में ही है, तो वो भी दिखा देंगे? नहीं फीमेल आज नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि 23-24 दिन चल रहा है तो उसका मिल्क शकिंग चल रहा है, तो इसलिए हम लोग फीमेल इस टाइम नहीं दिखाते हैं। हाँ और मोल्टिंग हो जाता है, जब ओनर आएगा, इन कस्टमर आएगा तब उनको मैं दिखा दूंगा। अच्छा तब कोई इशू नहीं है। तो देखिए क्वालिटी तो इसका देखिए, थोड़ा थोड़ा चला के दिखा दीजिए। ये देखिए एनाटॉमिकली क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं कि स्टाइफिल। हाँ। ये जो स्टाइफिल होते हैं इंडियन डॉग में ज़्यादा नहीं देखा जाता, यहाँ पे स्टेट हो जाता है। अच्छा दिस इज अ स्टाइफिल फोर क्वार्टर, ये देखिए ये इसको फोर क्वार्टर कहते हैं। अच्छा ये जो आप एक लाइन अनुमान कर लेंगे और ये जो रहता है ये शोल्डर रहता है, ये अपर आर्म रहता है और
इसको बोलते हैं फोर क्वार्टर। फोर क्वार्टर, अच्छा, ये सब देखना चाहिए। हाँ, ये सब, ये देखिए, ये लॉयंस पार्ट, ये सब आपको देखना होता है। रिब के जो होता है ये स्पर्म होता है, जब ये 22-23 महीने का हो जाएगा ये राउंड शेप रिब के जा जाएगा। अच्छा। ये सब आपको छोटा छोटा चीज देखना होता है। हेड का होता है, हेड क्या होता है, ये ऑक्सीपुट है। ऑक्सीपुट से स्टॉप तक जो साइज रहेगा, ये स्टॉप से नॉस्ट्रिल तक वही साइज रहेगा। अच्छा, ये सब भी माप रहता है? हाँ, पूरा, ये जो डॉग्स है ना पूरे माप का ही है। तो देख सकते हैं बहुत ही शांत है ये। हाँ। मैंने इनमैच्योर्ड है, आपको इसके बाद एक मैच्योर डॉग दिखाऊंगा। अच्छा, जो 3.5 साल का है। ये इसका एज कितना? इसका 15 मास है, 15 महीना। 15 महीना, ये इनमैच्योर, लेकिन साइज देख के पता नहीं चल रहा है। साइज ले लिया है, अभी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा इसका। ये जो आपको इतना दुबला दुबला लग रहा है, ये वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पूरा। जब 3 साल 3.5 साल में गिरेगा, इसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, तो दिखा दीजिए थोड़ा मैच्योर डॉग। ठीक है। सो दोस्तों, और भी डॉग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ लिंक है, लिंक को क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए, और भी कुछ डॉग है वो दिखा देते हैं, आइए। ये जो है ये मैच्योर डॉग है। अच्छा, ये 3.5 साल का हो गया है। 3.5 साल? हाँ, 3.5 साल इसका हो गया है। इससे क्वालिटी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, ओ वो सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी, ऐसी ही क्वालिटी आएगा, क्योंकि आपको टाइम देना होगा। अच्छा। एज के लिए तब ये इसको ओरिजिनल लुक्स आएगा इसका। हाँ, आप टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, टाइम तो देना पड़ेगा। देखिए, कुछ स्टैंडिंग देखिए, ये भी सो किया है ना? हाँ, ये भी शो किया है। इसका भी बहुत सरप्राइज है ना? इसका 2 रिजर्व सीसी प्राइस है। रिजर्व सीसी? हाँ, 2 सीसी है। अच्छा, तो देखिए प्राइस भी बहुत सारा जीता हुआ है। देखिए क्वालिटी, देखिए, अब देखिए क्वालिटी प्रोड्यूस करूँगा उसके तो पैसा भी देना पड़ेगा ना कस्टमर को। हाँ, ये बात तो है। देखिए स्कैनिंग, देखिए क्वालिटी, देखिए, अब देखिए इसको वॉक देखिए, आप समझ जाएंगे बैलेंस कैसे, इसको बैलेंस बोलते हैं। ये छोटा जगह है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। राउंड से रिब केज बोल रहा था, ये देखिए इसका रिब राउंड रिब केज हो गया है। इसका राउंड लग रहा है आपको रिब, पहले वाला में जो रिब राउंड नहीं लग रहा था इसमें लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये मैच्योर्ड हो गया है। ऐसे मैच्योर्ड होने में कितना साल लगता है? 3 से 3.5 साल। 3 से 3.5 साल। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर सब जो शो करता है, मतलब 15 मंथ से 8 शो जूनियर, देखिए वो पपी होता है, जूनियर होता है, क्लास। अच्छा, होता है। अच्छा, माइनर पपी, पपी, इंटरमीडिएट, जूनियर। अच्छा। उसके बाद ओपन। तो ये ओपन में अभी है? हाँ, अभी ये ओपन क्लास में है। तो ये अभी शो कर रहा है? नहीं, इस साल नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इंट्रोड्यूस न्यू वन इम्पोर्ट। अच्छा, तो दिस रीज़न मैंने इसको बंद किया है शो करना। अच्छा, थोड़ा सामने से दिखा दीजिए क्वालिटी। और आपको देखिए, इतना बड़ा डॉग है, लेकिन आप टेम्परमेंट देखिए, आपको आराम से टेम्परमेंट का पता चल जाएगा कि, क्योंकि फादर का टेम्परमेंट अगर अच्छा रहेगा, बड़ा डॉग है, अगर टेम्परमेंट अच्छा रहेगा तो जो काटने वाटने का जो प्रॉब्लम आता है गोल्डन बग किसी भी डॉग्स में, ये आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये कूपर है, कूपर, इसका नाम कूपर। हाँ, और इसका भी बच्चा अवेलेबल नहीं है ना? हाँ, इसका भी बच्चा अवेलेबल है। अच्छा, बाहर में है, मेरे घर में नहीं है। अच्छा, जो स्टड में है? हाँ, स्टड में है। हाँ, तो ये स्टड के लिए अवेलेबल है? हाँ, ये स्टड, लेकिन हम लोग फीमेल देख के स्टड देते हैं। उसका क्वालिटी और पेपर ऐसा कुछ चाहिए? अच्छा, मतलब केसीआर पेपर होना चाहिए फीमेल का, और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। मैं आपको पेपर नहीं दूंगा तो मैं कस्टमर के साथ चीट कर रहा हूँ, ये कस्टमर समझता नहीं है। हाँ, कस्टमर देखते हैं कि पैसा, पेपर नहीं चाहिए, घर में रखेंगे, ये सब बोलते हैं। तो अगर देखिए पेपर नहीं चाहिए आप बोलेंगे, किसी का पेपर आपको, किसी का डॉग बच्चा दे दूंगा बोलोगे ये पापा है, तो झूठ भी हो सकता है, पूरा ही झूठ हो सकता है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। पेपर देख के क्वालिटी भी आप लोग जज कर सकते हैं, हाँ ये अच्छा क्वालिटी है, कौन से जनरेशन से आया है, 5 जो जनरेशन, वो सब भी पता चल जाएगा।
ये जो स्टैंडर्ड है ये फॉलो करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड। इसका पापा ब्राज़ील से इंपोर्ट होके आया है, ये ब्राज़ीलियन इंपोर्ट है। अच्छा, बेसिकली ये अमेरिकन डॉग्स बोलते हैं। अच्छा, ये अमेरिकन ब्लैक लाइन है। इसके बाद आपको दिखाऊंगा यूरोपियन। अच्छा, यूरोपियन भी है आपके पास? हाँ, एक ही है, दोनों का स्टैंडर्ड थोड़ा इधर उधर अलग होता है। अच्छा, मतलब यूरोपियन में क्या होता है, हमारे इस क्लाइमेट में फर रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, हाँ ये बात तो है। अमेरिकन में क्या, ब्राज़ील थाईलैंड से आते हैं तो क्लाइमेट्स ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए आप लोग ब्राज़ील से इम्पोर्ट कर लेते हैं। हाँ, मतलब हम लोग कस्टमर को सजेस्ट भी करते हैं आप अमेरिकन ले लीजिए। अच्छा, यूरोपियन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छा फीमेल नहीं मिलेगा। हाँ, और जो भी होगा यूरोपियन का बजट बहुत हाई हो जाता है। यूरोपियन और अमेरिकन में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा बता दीजिए। बहुत डिफरेंस है। अच्छा, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है। यूरोपियन अमेरिकन का जो फर आपको इतना मिल रहा है इस वेदर में, आपको अमेरिकन यूरोपियन में नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको यूरोपियन में हमेशा फर कम होगा, उसका फर कम हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ठंडे क्लाइमेट से। ये तो अमेरिकन है, इसको तो सब देख लिया है, अभी थोड़ा यूरोपियन दिखा दीजिए, डिफरेंस थोड़ा पता चल जाएगा। दिखाता हूँ, ये जो क्वालिटी है ये यूरोपियन है। अच्छा, ये थोड़ा यूरोपियन यूरोपियन स्टैंडर्ड है। यूरोपियन में क्या वाइट होता है? हाँ, यूरोपियन वाइट होता है, रेड भी आता है। अच्छा, वाइट ज़्यादातर इंडिया पे ज़्यादातर वाइट होता है, वाइट आ जाता है। तो देखिए स्टैक पोजीशन में यूरोपियन गोल्डन रिट्रीवर, देख सकते क्वालिटी, देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी है। इसका नाम क्या है? भूतो। अच्छा, क्योंकि जब यूरोपियन टू यूरोपियन रेट होता है, यूरोपियन बच्चे का प्राइस नियर अबाउट 40 के ऊपर हो जाता है। अच्छा, और हमारे यहाँ पे कस्टमर वो नहीं देगा। इसका प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल जो है बहुत कम है। अच्छा, फीमेल कम है इसीलिए। हाँ, तो इसका एज कितना है? इसका एज भी 4 साल है। 4 साल, ये फुल मैच्योर्ड पोजीशन पे है। अच्छा, ऐसा फुल वाइट पपी मिल जाएगा आपके पास? हाँ मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम मिलता है। अच्छा, अभी इस टाइम में मिल जाएगा, कोई अगर रिक्वायरमेंट करे तो, कोई व्यूअर्स? हो जाएगा, देखना पड़ेगा थोड़ा टाइम। मेरे यहाँ पे क्या होता है, आपको अभी चाहिए तो अभी कुछ नहीं मिलेगा, पहले प्री ऑर्डर करना है, प्री बुक करना। मेरे यहाँ पे लेट होता है। अच्छा, तो ये थोड़ा स्टैक पोजीशन, ये देखिए ये इतना बाल गिर रहा है, पता चल रहा है मोल्टिंग में? हाँ, ड्यू टू वेदर, वेदर के लिए। हाँ, इसके लिए हम लोग बहुत कस्टमर को सजेस्ट करते हैं आप यूरोपियन मत लीजिए, क्योंकि नया कस्टमर होता है और इतना बाल गिरता है, वो परेशान हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं आप यूरोपियन मत लीजिए। बहुत सर, उसके बाद भी देखिए वाइट का एक क्रेज है, वाइट देख के बोलते हैं वाइट डॉग्स लूंगा, डॉग्स लूंगा। देखने में अच्छा लगता है, जब उसका प्रॉब्लम सामने आता है ना, तब उसको पता चलता है। मतलब हर एक यूरोपियन का ऐसा ही प्रॉब्लम होगा इस वेदर में। अच्छा अच्छा, और आप हाथ, आप उसके बॉडी में हाथ दे रहे हैं तो आपको पता चल रहा है इसका फर क्वालिटी, उसका फर क्वालिटी अलग है, अलग है। ये थोड़ा मोटा है, ये मोटा है। हाँ, और वो थोड़ा सिल्की टाइप है, लेकिन बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, और की बच्चा है। अच्छा, जस्ट 23 डेज हुआ है। 23 डेज, देखिए पापी देखिए बहुत ही अच्छा है क्वालिटी देखिए। और इसमें से दो बुकिंग हो गया। अच्छा, दो बुकिंग भी हो गया। हाँ, टोटल 4 बच्चा है? नहीं, 8 बच्चा है। अच्छा, दो कुत्ते के भी हो गया, दो अभी बुकिंग हो गया। अच्छा, दो बुकिंग हुआ है, अभी 6 पापी अवेलेबल है। अच्छा देखिए, ये थॉर का बच्चा है, रेड, पूरा रेड आएगा ये सब। हाँ, बच्चा ये कान का कलर आता है। हाँ, कान तो बहुत ही डार्क है। हाँ, डार्क आ जाएगा। और देखिए आप इसको आज 23 डेज, आप बोन्स देख हाँ, सकते हैं आपको इसका क्वालिटी दिख रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं भैया का जीता हुआ सब प्राइस यहाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ का जो पपी का कलेक्शन है, डॉग का कलेक्शन है, वो देख चुके हैं, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा। अगर आप लोग यहाँ से पपी खरीदना चाहते हैं तो भैया का नंबर और एक बार ले लेते हैं। भैया और एक बार नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 8820-351-506। और एक चीज़ कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसी कॉल्स आते हैं कि 14,000-15,000 में बच्चा चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। अच्छा, आप
ये 14,000-15,000 में गैलप स्ट्रीट में जाके आप खरीद सकते हैं बच्चा को। यहाँ पे आप लोगों को विथ पेपर जो क्वालिटी मिलता है वही क्वालिटी मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग केसीआई नॉन केसीआई दोनों टाइप का आप लोग पपी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय।